वो तो 5 साल पर पेंट होना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम नारघाट के वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर पर उपस्थित है और यहाँ ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम है और एक श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग आके दर्शन पूजन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम आज यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ कौन कौन से भगवान जी विराजमान हैं। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी बताएं कि ये जो मंदिर है ये इसकी स्थापना कब हुई? 5 फरवरी 1992 में हुआ है स्थापना। ये मंदिर की स्थापना करवाई किसने? रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी है। जैसा कि हम बाहर से पंडित जी जब आ रहे थे तो हमने देखा कि जो मूर्तियां हैं जो खंडित नहीं होनी चाहिए, बाहर के जो मंदिर की स्थिति है वो थोड़ी कुशल मंगल नहीं दिख रही है। जो हाथ एक गजानन जी हैं उनके ऊपर जो लक्ष्मी माता शायद विराजमान है उनके जो पैर हैं वो स्थायी रूप से खंडित हैं। वो तो ठीक है। तो आप क्या क्या चाहते हैं और हमें ये बताएं कि जो मंदिर है इसका आखिरी दफा इसका जीर्णोद्धार और इसका रंग पुताई और कब कब हुआ था? ये तो 10 साल पहले हुआ था, 15 साल। तो आपको क्या लगता है कि कितने कितने दिनों के अंतराल पे जो मंदिर जैसी जो आस्था का केंद्र है जहाँ लोग आते हैं मन की शांति के लिए, वहाँ जो चीज़ें हैं वो कैसे किस तरीके से सही होनी चाहिए और कितने कितने दिन पे इसकी सेवा होती रहनी चाहिए? वो तो 5 साल पर पेंट होना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब इस बार 3 बार का गैप हो गया? आप सुन रहे हैं पंडित जी कह रहे हैं कि हर 5 साल पे जो मंदिर का की रंगाई पुताई है वो हो जानी चाहिए और इस समय 15 साल की समय अवधि निकल गई है। इस वजह से मैं मंदिर का हाल आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मंदिर जितना ही भव्य और जितना ही प्यारा है, इतनी सारी जो प्राचीन मूर्तियों से पूरा भरा हुआ है मंदिर। आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी इतनी ज़्यादा प्यारी है जो कि हमारी भारतीय कला संस्कृति को प्रस्तुत करती है और इसका आज ये हाल हो गया है कि इसको देखने के बाद मन से ये आवाज़ आती है कि अगर श्रद्धा जैसे केंद्र पे, लोगों की आस्था जैसे केंद्र पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। पंडित जी आप और क्या बताना चाहेंगे? और क्या बताना, भगवान विघ्नेश्वर। यहाँ कौन कौन से जो भगवान जी हैं वो हैं? विघ्नेश्वर भगवान विष्णु स्वरूप है, उनके बगल में है पद्मावती माता विघ्नेश्वर भगवान की पत्नी और लक्ष्मी जी भी है उधर, राधा कृष्ण है, हनुमान जी है, उनके वाहन गरुड़ देवता है। इस मंदिर के खुलने का समय क्या है, कितने से कितने बजे तक सुबह और शाम जो वक्त है हमारा कब खुलती है मंदिर? 6:30 से 12:30 सुबह है, फिर वही 6:30 से 10:30 तक रात में। क्या यहाँ कभी कोई आया इस मंदिर के इस हालात को सुधारने के लिए? अभी कोई नहीं है। इसके लिए क्या आपने कभी कोई कदम उठाया, कोई आके आपको बोला कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए? लोग कहते हैं कि भाई कराना चाहिए इसको। चलिए, हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये समाचार संदेश जनता तक पहुंचा सके कि हमारे नारघाट में वेंकटेश्वर बालाजी का इतना भव्य मंदिर है जिसकी जो हालत है वो जर्जर हो गई है और हम अगर अपने श्रद्धा सुमन जो केंद्र है हमारे जो भगवान जी हैं अगर हम उन पर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे तो ये दुनिया का क्या भला होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो बस बने रहें एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।